किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया वाक लिखा है और पहले भी कई बार मैं सुना चुका हूँ पीराने पीर हजर गौस पाक शेख अब्दुल जिलानी जी रही उनकी तजारत भी थी वक़्त के इतने बड़े गौस हैं उनकी तजारत उनकी खजूरों के बहरी जहाज अफ्रीका तक जाते थे इतनी तजारत भी अता कर रखी थी एक बार तो अपनी मजलिस में बैठे हैं दर्श दे रहे हैं तो मैनेजर ने आके कान में कुछ कहा कान में कुछ कहा आपने फरमायाहमद ला ये फरमाया चला गया वो आपने अपना वाद शुरू कर दिया थोड़ी देर के बाद वो फिर आया फिर कान में से कुछ कहा आपने सर उठाया फरमायाल्हद्ला चला गया हो तो अहले मजलिस बड़े हैरान हुए मुरीदीन मुतवसलिन ने कहा हजरत ये क्या माजरा है ये पहले शख्स ने कुछ कहा आपने कहा अलहिला ये दोबारा आया फिर उसे कान में कुछ कहा आपने कहा तो अगर इजाज़त फरमाए तो आप हमें कुछ बताइए हम समझिए नहीं ये क़स्सा क्या है फरमाया कि असल में बात यह है मैनेजर ने मुझे इतला दी कि आपका जो खजूरों का खजूरों का जो बैरी जहाज़ अफ्रीका गया था अफ्रीका गया वहाँ पहुँच गया अलहमदिल्ला लंगर अंदाज़ हो गया है तो मैंने उस पर जय अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके बाद थोड़ी देर के बाद आके उसने मुझे इतला की और इतला ये की फरमाया क्या कि वो जो जहाज़ जो बैरी जहाज़ भे, भेजा था वो लंगर अंदाज़ लंगरअंदाजी बल्कि वो गर्क हो गया डूब गया उस पर मैंने अलहमद कहा तो मुरीदी ने कहा हजरत ये क्या बात हुई नुकसान हुआ तो भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और नफ़ा हुआ तो भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा पहले आपको डूबने की ख़बर मिली तो आपने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपकी पता चला कि नहीं नहीं वो डूबा नहीं वो खैरियत से पहुंच गया है तो भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा ये समझ में नहीं आई बात हालांकि नुकसान पर तो इन्ना लिल्लाह कहा जाता है आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उस पर अब यह सुनने वाली बात है भाई ये फ़र्क है हम में इन औलिया अल्लाह में ये अल्लाह भी अल्लाह की दुनिया की तजारतें करते हैं लेकिन ये किस अंदाज़ से करते हैं फरमाया कि असल में बात यह है कि जब मुझे पहले उन्होंने खबर दी कि वो जहाज़ लंगर अंदाज़ नहीं हुआ डूब गया है तो मैंने अपने दिल के अंदर झांका दिल पर निगाह की कि उस डूबने उस डूब जाने का गम या सदमा मेरे कलब में हुआ या नहीं या अल्लाह की मोहब्बत में मेरा दिल सरशार है तो मैंने देखा कि मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत में सरशार है उसको का कोई गम नहीं हुआ क्योंकि उसकी तरफ से है लिहाजा में उस दिल की मोहब्बत इलाज में सरशारी पर कहा अब्दुल्ला अलहदुल्ला और फरमाया कि जब मुझे बताया कि खैरियत से पहुंच गया है तो मैंने फिर अपने दिल को झांका कि इसके अंदर उस खैरियत से पहुंचने पर खुशी का कैफियत तो नहीं और वो अल्लाह की मोहब्बत में मेरा जो दिल मस्त है उसी मस्ती के अंदर है या यह कि दुनिया के इस नफे पर खुश हो रहा है तो मैंने जब देखा तो मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत उसी तरह मस्त था उस मस्ती और कैफ कैफो सरूर पर मैंने अलहमदिल्ला कहा मैंने इस नफे नुकसान पर नहीं मैंने अपने मालिक और खाली की मोहब्बत में मेरा कल्ब जो मोजन है फर मैक मैं उस कैफियत पर अलहमदुल्ला कह रहा हूँ बस यही होता है कि बंदा मोमिन इस इलम की वजह से जो नबी फरमा रहे हैं वो तजारत भी करता है तो उसकी निगाह अपने अल्लाह पर रहती है नफ़ा मिलता है तो भी अपने अल्लाह को देखता है नुकसान होता है तो भी अल्लाह को देखता है क्यों तो अजारु नफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह है और अजार नुकसान देने वाली ज़ात अल्लाह है ये दुनिया तो एक असबाब का दायरा है इसबाब में अपनी ताकत कोई नहीं जब तक मुसब्बल उसबाब फैसला नहीं करता तो मोमिन बंदे की निगाह अपने अल्लाह पर रहती है तो हकीकत ये जब इस अंदाज़ से इंसान सोचता तो फिर फिर इंसान के दुनिया की तजारती भी आसान नफ़ा नुकसान भी आसान दुनिया की तकलीफ़ी आसान क्योंकि वो ये समझता है कि अल्लाह की तरफ से है नफ़ा है तो खुदा की तरफ से है नुकसान है तो खुदा की तरफ से है नतीजा ये कि नफ़े के वक़्त वो शाकिर बन जाता है और नुकसान के वक्त वो साबिर बन जाता है